स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो बरमीरपुर में आज ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सादगी से ईद की नमाज अता की गई। इस मौके पर नमाजियों ने खुशहाली की दुआ भी मांगी। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना के चलते शासन प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। वहीं शहर में सभी स्थानों पर पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहे। इमामों ने नमाज अता करवाते हुए संदेश दिया कि कोरोना संक्रमण के चलते ईद मनाते हुए खास सावधानियां बरतें, मास्क का प्रयोग करें और कुर्बानी के समय भीड़ ना लगाएं, कुर्बानी खुले में ना करें, जानवरों के अवशेष को इधर उधर ना दफनाएं, इधर ना दफनाएं और ना ही फेंके। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से मस्जिदों में पांच पांच लोगों को ही नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, उसका पालन करते हुए नमाज अदा की गई है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी पंचपुरी गढ़ मीरपुर में विभिन्न जगहों पर जाकर फ्लैग मार्च करते हुए असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर बनाए रखी है। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज नमाज अता की गई। आज ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया था प्रशासन की तरफ से और उसी का पालन किया गया। नमाजियों ने साथ ही खुशहाली की दुआ भी मांगी। गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज नमाज अता की गई। ईद की नमाज थी, उसको अता किया गया, कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया। इसी के साथ आपको बता दें कि संदेश दिया गया कि कोरोना संक्रमण के चलते ईद मनाते हुए खास सावधानियां बरतें, ऐसा प्रशासन की ओर से कहा गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया और आज ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी के साथ प्रशासन ने वहां मौजूद लोगों से भी कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाए रखें और एक वक्त पर पांच नमाजी ही नमाज अता करें। तो आज ईद उल अजहा का मौका, शांतिपूर्वक नमाज अता की गई। ईद के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा गया। पहले से ही बताया गया था कि कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखें और आज ईद की नमाज पढ़ी गई, कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग 3 बजे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मांडू का उन्होंने दौरा किया, जहां उन्होंने पूरे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही पीड़ित परिवारों से बातचीत कर उनके हालचाल भी जाने। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार रहा। सीएम के पूरे दौरे के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो सीएम ने आज उत्तरकाशी का दौरा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दौरा, बाढ़ पीड़ितों का उन्होंने हालचाल लिया है। पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे उत्तरकाशी, जहां पर उन्होंने पहुंचने के बाद बाढ़ से जो पीड़ित लोग थे उनका हालचाल लिया, उनसे बातचीत की और उनसे उनकी परेशानियों को भी साझा किया। बाढ़ पीड़ितों के परिवारों से भी हालचाल लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज उत्तरकाशी पहुंचे, बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उनसे बातचीत की, उनसे उनकी परेशानियां सुनी और उनसे उनका हालचाल भी जाना है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल के रामनगर में युवा संवाद कार्यक्रम की सफलता के बाद अब पूरे प्रदेश में 15 जगहों पर उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी गई है, जिसको लेकर आज प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता नवीन प्रिशाली ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान उनके युवा संवाद कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया प्रदेश के युवाओं से सीधे बातचीत के लिए आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर से शुरू हुई थी और अब पूरे प्रदेश में उनके 15 कार्यक्रम तय हो गए हैं, जो कि 23 जुलाई को काशीपुर से शुरू होकर 6 अगस्त को देहरादून में समाप्त होंगे। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार होंगे, 23 जुलाई को काशीपुर,
24 जुलाई को सितारगंज, 25 जुलाई को हल्द्वानी, 26 जुलाई को चंपावत, 27 जुलाई को पिथौरागढ़, 28 जुलाई को कपकोट, 29 जुलाई को अल्मोड़ा, 30 जुलाई को द्वाराहाट, 31 जुलाई को बद्रीनाथ, 1 अगस्त को केदारनाथ, वहीं 2 अगस्त को श्रीनगर और इसके साथ ही 3 अगस्त को देवप्रयाग। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल कोटियाल का युवा संवाद, उसका जो आगे का जो कार्यक्रम है उसकी तिथियां बता रहे हैं। तो 4 अगस्त को ऋषिकेश, 5 अगस्त को रुड़की और 6 अगस्त को देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी रुड़की पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जीवनदीप आश्रम में जो सप्तचंडी यज्ञ चल रहा है उसमें सहभागिता करेंगे। परिवारों का आंदोलन कार्यक्रम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें 25 जुलाई को परेड ग्राउंड में पुलिस कर्मियों के परिवारजनों के आंदोलन की जानकारी दी जा रही है। यही नहीं, समय समय पर पुलिसकर्मियों के भी आंदोलन में उतरने की खबरें वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि छठे वेतनमान के तहत 4600 ग्रेड पे आने वाले पुलिसकर्मियों का सातवें वेतनमान में ग्रेड पे घटाकर 2800 किया गया था। इससे नाराज पुलिसकर्मी लगातार सरकार से 4600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब सरकार पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर खड़े हुए विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिशों में है। इसी पर विचार के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया था। वहीं अब सब कमेटी पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे मामले पर बीच का रास्ता खोज रही है। सब कमेटी के अध्यक्ष सुबोध उनियाल से आज पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उनके आवास पर मुलाकात भी की। इस दौरान पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे मामले के समाधान को लेकर विचार विमर्श किया गया। खबर है कि इसमें पुलिसकर्मियों के प्रमोशन का रास्ता खोजा जा रहा है, ताकि उनके ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी की जाए और पुलिसकर्मियों को कुछ हद तक इसका फायदा दिया जाए। तो यहां पर वही इस मामले पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी पुलिसकर्मियों पर पूरा भरोसा जताते हुए उनके कोई गलत कदम नहीं उठाने की बात कही है। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे की समस्या को लेकर पूरी गंभीरता से चिंतन किया जा रहा है और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। मामले में संवेदनशील अनुभव है, यही कारण था कि जब कैबिनेट के समक्ष प्रकरण आया तो कैबिनेट ने इसकी गंभीरता को समझते हुए तत्काल मेरा व्यवस्था को संपर्क खंडोगर बनाई, जिसमें धन सिंह रावत जी और रेखा रेड्डी जी मेरे साथ हैं और भी उसमें रखे हैं। उसके बैठक हमने की भी थी और बैठक में जो पक्ष करना दिखाई दी थी वो समय अधिकारियों को दिखाया गया कि आप पूरे आंकड़ों के साथ अगली मीटिंग में पहुंचे तो हम सिविल में अगली मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में बहुत बड़ा गंभीर है और क्योंकि पुलिस एक अनुशासित बल है और अनुशासन लोग पुलिस अनुशासन का संदेश देती है, इसलिए हमारी गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए वो मतलब मेरा निवेदन है या सरकार का निवेदन है कि इस तरह के जो काम रखे हैं उससे पुलिस का अनुशासन जो इलाज है उस पर कोई असर पड़े। जवानों की ग्रेड पे जो समस्या का समाधान बहुत सकारात्मक बात है, इसका समाधान होता है। नेता है समस्या का वास्तव ग्रेड के लिए कुछ ना होगी, लेकिन बड़े जो है समस्या दे रहे हैं कि समस्या का समाधान जवानों को क्या भरोसा बनाया राहुल जैसे उसका सकारात्मक जो है ऐसे मुझे बुरे भरोसे कि कोई सकारात्मक रास्ता आता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रहे चार धाम यात्रा व पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज से राज्य के करीब 1,63,661 लोगों को लाभ मिलेगा। आर्थिक सहायता की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जाएगी। बुधवार को उत्तरकाशी में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम धामी ने कहा कि कोविड संक्रमण के चलते लॉकडाउन व अब आपदा के कारण राज्य में चार धाम यात्रा पूरी तरह से ठप हो गई है। साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों पर भी कारोबारी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण चार धाम व पर्यटन से जुड़े कारोबारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पर्यटन व चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के बैंक खातों में धनराशि डाल रही है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। वहीं पौड़ी में समस्त सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पे जाने से शहर की सफाई व्यवस्था अब पूरी तरह से चरमरा गई है। आलम यह है कि यहां बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जो लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रहा है। वहीं शहर की मुख्य सड़कों में छाई गंदगी बीमारियों बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है जिससे जनता को सड़कों पर निकलना तक मुश्किल हो गया है। वहीं नगर पालिका भी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल करने के कारण कोई वैकल्पिक व्यवस्था जुटाने में नाकाम हो रही है। नगर पालिका के अधिकारियों की माने तो उनके पास शहर की स्वच्छता के लिए सिर्फ सफाई कर्मचारी ही एकमात्र व्यवस्था थी, लेकिन ये कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं जिससे सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई है। वहीं सफाई कर्मचारी संघ की माने तो वे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने, ठेका प्रथा को समाप्त करने और संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मुख्य मांगों के साथ ही सफाई कर्मचारियों को ड्रेस दिए जाने और बारिश के दिनों में रेनकोट दिए जाने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी हड़ताल शुरू की है। उनका कहना है कि ये हड़ताल सरकार के किसी ठोस आश्वासन व उचित नतीजे के बाद ही खत्म की जाएगी। जो है व्यवस्था बिल्कुल शर्मा गई है और इस संबंध में हमारी नगर पालिका की और नगर पालिका उन्होंने कहा कि इस समय उनकी क्योंकि हड़ताल सफाई कर्मचारी की हड़ताल है, हम इसमें तुरंत एक दो दिन में उसकी व्यवस्था कर देंगे। ये उन्होंने हमको उत्तराखंड शासन को हमने नमाज से लगा के अभी तक जो आंदोलन चला है हमारा उसमें अभी 2 अक्टूबर का एक आंदोलन था जिसको स्थगित कर दिया था 2 मई का। सभी हमने 11 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे ये आंदोलन छेड़ा है जिसमें सरकार द्वारा 2 महीने का आश्वासन देकर के वो हड़ताल हमारी टाल दी थी। कोरोना काल को देखते हुए हम भी नहीं चाहते थे कि कोरोना काल में हम इस स्थिति में जाए कि वो दूसरों के लिए गलत साबित हो। हमारी 11 सूत्रीय मांग है जिसमें सर्वप्रथम मांग जो है वो ठेका प्रथा समाप्त करने की है और दूसरी मांग हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है वो पुरानी पेंशन बहाल करने की है। कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के है। पहले भी उन्होंने एक बार ज्ञापन दिया था और उस टाइम उनकी शासन से बात हो गई थी तो उस टाइम कोविड के कारण कोविड का हवाला देते हुए वो स्थगित हो गया था। फिर उन्होंने कल से जो है दोबारा स्ट्राइक किए हैं और इस संबंध में उनके जो प्रदेश में भी स्ट्राइक है पूरे प्रदेश में है तो प्रदेश से जो भी रिश्ता होगा उसके लिए हमारे लिए होगा और हमें जो हमारे ठेके का जो महत्वपूर्ण रेगुलेशन पर वो सब हम बात कर रहे हैं वो पहले उन्होंने कार्य से रोके हैं। विधानसभा ऋषिकेश में कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर सत्याग्रह आंदोलन किया। दरअसल पिछले दिनों विद्युत विभाग ने कांग्रेसी नेता जयेंद्र रमोला व कनक धनय पर रायवाला थाना व ऋषिकेश कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही ऋषिकेश की राजनीति में गर्माहट आ गई थी। अब वहीं कांग्रेसी विद्युत विभाग की तरफ से हुए मुकदमे को राजनीतिक दबाव का नाम दे रहे हैं। कांग्रेसियों ने इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष पर सीधा आरोप लगाया है। वहीं आज कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष विनय सारस्वत व कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन किया। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेसियों के आरोपों को निराधार बताते हुए ऐसे आरोप व कारनामों को कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। कोई धरना न कोई प्रदर्शन है, हमारा सिर्फ पुलिस काम है उसको बताने के लिए आज यहाँ पर हम सब कांग्रेस जन आए हैं और एक सत्याग्रह के तौर पर आपने देखा होगा रघुपति राघव राजा राम हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं और पुलिस को बताया है आपका काम है कानून का पालन कराना। अगर कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ और हमारी कोई गलती होती है आप हमारे खिलाफ मुकदमा करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वही गलती अगर दूसरा व्यक्ति भी करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज
होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि आपने हमारे लिए किया, कोई बात नहीं, जो सही होगा देखा जाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी करेगा उसको आप नहीं, उसकी जगह मुकम्मल दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो अपना बड़ा प्रतिकार करने वाली बात है, कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध दिखती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 22 जुलाई को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल रुड़की का दौरा करेंगे, जहां वो जीवन दीप आश्रम में चल रहे शकचंडी महायज्ञ में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी खुद सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने इस दौरे की जानकारी साझा की है। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, कल उत्तराखंड आ रहा हूं, रुड़की के जीवन दीप आश्रम में चल रहे शकचंडी महायज्ञ में शामिल होकर मां भगवती की आराधना कर उनका आशीर्वाद लूंगा। मन में एक प्रश्न है, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से कल उस पर भी चर्चा करूंगा। कल मिलते हैं। उत्तराखंड में जय मां भगवती। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी एक दिन के दौरे पर देहरादून आ चुके हैं, जहां उन्होंने सत्ता में आने पर उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त देने का वादा किया था। वहीं अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रुड़की में इस पूजन समारोह में भाग लेने के बाद एक प्रेसवार्ता भी करेंगे, जहां वे अपने विचार रखेंगे और जनता के सवालों के जवाब देंगे। दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी रुड़की पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जीवन दीप आश्रम में जो शतचंडी यज्ञ चल रहा है उसमें सहभागिता करेंगे और मां भगवती का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट पर भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मन में एक प्रश्न है जिसको कल वो उत्तराखंड की जनता के साथ साझा करेंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी और हम सबको इसका इंतजार रहेगा। मसूरी के टेरी जबरखेत रोड पर वुडस्टॉक स्कूल के पास बड़ा भूस्खलन होने से स्कूल की बिल्डिंग का बड़ा पुश्ता ढह जाने के कारण रास्ता बंद हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। भारी बारिश के कारण मसूरी वुडस्टॉक स्कूल का एक बड़ा पुश्ता गिर जाने से बिल्डिंग को भी खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि मसूरी में लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल की बिल्डिंग का पुश्ता गिर गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। वहीं सुबह के समय मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग को खोलने में भी खासी दिक्कत आ रही है। वहीं अब डर है कि अगर बारिश होती है तो पुश्ते का बचा हुआ भाग भी गिर सकता है, जिससे स्कूल की बिल्डिंग को खतरा हो सकता है। खतरों को देखते हुए स्कूल प्रबंधन द्वारा पुश्ते का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इंजीनियरों द्वारा बिल्डिंग को बचाने की कोशिश की जा रही है। चमोली के गोपेश्वर में आज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के जिला पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्हें अपने परिवार से अधिक देश की चिंता है। वह समर्पण भाव से दिन रात देश सेवा में लगे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय गोपेश्वर में हुई भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को हम आदेशित कर रहे हैं कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करें। उन्होंने अभी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह सभी तरह के गिले शिकवे भुलाकर पूरे मन के साथ काम करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वह प्रदेश एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां का प्रभारी बनाकर भेजा है। पुराना मेरा ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और मेरा लक्ष्य यहां पर यह है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम यहां पर उत्साहित करें, उर्जित करें, उनके अंदर प्रेरणा का संचार करें और उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर यहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। चारधाम की यात्रा हाईकोर्ट के निर्देशों पर की भी है, उनकी अनुमति होगी तो चालू होगी। ऐसी स्थिति के अंदर हमने
ये निर्णय लिया है, खासकर मैंने अपने सिंचाई विभाग में निर्णय लिया है कि हम छोटे छोटे ठेके करेंगे, तो जो बड़े बड़े ठेके हैं उनको चार भाग में विभाजित करने का हमने निर्णय लिया है ताकि यहाँ के स्थानीय रोजगारों को बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। तो उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गोरी रेंज में भी हरेला पर्व के चलते हरेला सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गोरी रेंज स्थित वाटिका में एआरटीओ ऋषिकेश अरविंद पांडे, यमकेश्वर ब्लॉक प्रमुख आशा भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि पौधारोपण किया और सभी लोगों ने फलदार और आयुर्वेद से जुड़े पेड़ लगाए। तो ये धूमधाम से हरेला पर्व मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आरटीओ और ब्लॉक प्रमुख ने यहां पर पौधे लगाए हैं, पौधारोपण किया। आपको बता दें उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। वृक्षारोपण काफी पुराना अभियान है और आप देखते हैं प्रकृति और मानव का एक बहुत ही बड़ा तादाद में है, सामंजस्य है। बिना प्रकृति के मानव जीवन संभव नहीं है और पेड़ उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जीवन ही नहीं प्रदान करते बल्कि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं कहीं न कहीं वनों से, जंगलों से, पेड़ों से हमें प्राप्त होती हैं। तो हमारे यहाँ तो हरेला पर्व आप जान रहे हैं ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा, ये कोई नई चीज नहीं है कि हम कोरोना को देखते हुए केवल ये कर रहे हैं। कोरोना ने तो हमें केवल ये बता दिया कि जी हम ये पेड़ों का ऑक्सीजन यहीं से हमें प्राप्त होती, तो उसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस हमारे लिए हरेला पर्व के रोल। क्योंकि जीवन पूरे से ही है, पूरे होंगे तो हम होंगे, तो मैं उद्देश्य यही है। कटा नहीं होता है। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश तोता घाटी व सौर पानी के बीच एक कार पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। हादसे में कार सवार तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। देवप्रयाग थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि देहरादून से श्रीनगर की ओर जा रही एक कार पर बुधवार दोपहर लगभग 12:30 पर तोता घाटी व सौर पानी के बीच पहाड़ी से बोल्डर आ गिरा। हादसे में कार में सवार तीन लोगों में से पिछली सीट पर बैठे नरेंद्र डिग्री कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर मनोज सुंदरियाल को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आगे बैठे दोनों लोगों को कोई चोट नहीं आई है। आज 12:15 के लगभग ये सूचना मिली थी कि सौर पानी तोता घाटी के बीच में एक गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर गया। हम लोग तुरंत मौके पहुंचे थे, पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी देहरादून से और श्रीनगर की तरफ जा रही थी, इसमें तीन लोग सवार थे, जिसमें से अचानक पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर गिरा और गाड़ी के ऊपर जा गिरा। उसमें पीछे बैठे जो व्यक्ति थे श्री मनोज सुंदरियाल जी, उनको काफी गंभीर चोट आ गई है और जो उनके साथ वाले कुछ लोग पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, फिर अचानक गाड़ी से उनको निकाल करके उस गाड़ी में शिफ्ट करके उनको इलाज हेतु एम्स को ले जाया गया। हरिद्वार की सुकरो नदी में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है। एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव नदी से ढूंढकर निकाला। वहीं पूरे मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि जिलाधिकारी की मौजूदगी में ही किशोर का शव उठाया जाएगा। आपको बता दें सुखरो नदी में रिवर चेनाइजिंग का काम चल रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि चेनाइजिंग का काम मानकों के विपरीत हो रहा है। वहीं किशोर की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने पोकलैंड मशीन और डंपरों पर भी पत्थरबाजी की। वहीं ग्रामीणों को आक्रोश में देख खनन कर रही डंपरों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिली कि यहां पर कुछ बच्चे नहा रहे थे और वो एक बच्चा जो डूब के उसकी मृत्यु होगी, जिसका कि रेस्क्यू चल रहा है, अभी तक डेड बॉडी नहीं उसकी मिली है। तो मेरा यही कहना है कि शासन द्वारा जो भी यहाँ पर लैंड के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, आप स्वयं देख लीजिए कितने गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जो कि लैंड के विरुद्ध है। मैंने इस बारे में उप जिलाधिकारी जी से बात की थी बीच में जाके कि भाई ये लैंड के विरुद्ध चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसमें तीनों जांच आई है मुझको और जांच में ये जब कहा गया कि इसमें इसको आगे बढ़ाया जा सकता है,
उन्होंने इसको आगे फाइल अपने डीएम साहब को दे दी है। अब वहां से आगे चली है कैसे उनके नाम से के ब्रिज यहां पर जो है खनन का कार्य दिया जा रहा है जबकि ये बिल्कुल गलत है। उत्तरकाशी के कंकराड़ी में लापता युवक का शव बुधवार को घटना के चार दिन बाद बरामद कर लिया गया है। रविवार रात को बादल फटने से कंकराड़ी के बरसाती नाले में उफान आ गया था। युवक इसी बरसाती नाले में बह गया था, तभी से लापता युवक की तलाश जारी थी। लापता हुए युवक की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम को बुधवार की सुबह साडा के निकट मानव शरीर के कुछ अवशेष मिले थे। बता दें कि बीते रविवार को ककरानी में बादल फटने की घटना से गांव का एक युवक लापता हो गया था। युवक खेतों में पानी लगाने गया हुआ था, इसी दौरान गांव का बरसाती नाला उफान पर आ गया और वह बह गया था, जिसका शव आज चार दिन बाद बरामद किया जा सका है। उत्तराखंड में लगातार पांचवें दिन आज बुधवार को भी लगभग सभी इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। इससे एक ओर जहां मौसम सुहावना हो गया है, वहीं लोगों को जलभराव, भूस्खलन और मार्ग बंद होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में देर रात से बारिश हो रही है, घना कोहरा भी छाया हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।